अच्छा अब अब नागपुर की बात हो जाए आप नागपुर के हैं गडकरी जी भी नागपुर के हैं आप दोनों के संबंध कैसे हैं बहुत अच्छे संबंध है बहुत लोग बहुत कहते हैं कि एक मियाँ में दो तलवार नहीं हो सकते देखिए पहली बात तो ये है कि हमारी मैन भी अलग है मैं एम एल हूँ वो एम है मैं राज्य में काम करता हूँ वो केंद्र में काम करते और हमें बहुत समन्वय है देखिए नागपुर का विकास आज आप देख सकते हैं जाकर नागपुर इज अ ट्रांसफॉर्म सिटी क्योंकि हम दोनों ने समन्वय से काम किया है उनके भी दिमाग में नागपुर फर्स्ट होता है और मेरे भी दिमाग में नागपुर फर्स्ट होता है इसलिए नागपुर आज बदला है नागपुर एक एजुकेशन हब हुआ है नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर आया है नागपुर में इंडस्ट्री आ रही है एक ट्रांसफॉर्मेटिव इस प्रकार का सारा वातावरण नागपुर में दिखता है और मुझे यह लगता है कि कई बार हमारी पॉलिटिक्स में लोग ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि एक पार्टी के एक शहर के दो बड़े नेता समन्वय से काम कर सकते सारे चुनाव हुए उसमें हमारा समन्वय लोगों ने देख लिया मैं आपको बताता हूँ कि 2017 में मैं में मेयर गडकरी जी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव के टिकट के बंटवारे के लिए बैठे थे और दो तीन चार घंटे बाद मैंने गडकरी जी को कहा अब आप बांट लीजिए क्योंकि मुझे मुंबई और पुणे के भी टिकट बांटना है मैं जा रहा हूं और मेरे भी यहां के टिकट रात को मुझे गडकरी जी का फोन आया देवेंद्र ये चार पांच छह जगह मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं लग रहा तेरा ओपिनियन क्या है बता मैंने उनको मेरा ओपिनियन बताया वो उन्होंने मंजूर किया और हमने इलेक्शन कंडक्ट किया तो इसलिए मुझे लगता है हाँ ये जरूरी नहीं है कि हर चीज पर हम दोनों की राय एक हो क्योंकि हमारे स्वभाव में भी अंतर है तो गडकरी जी का स्वभाव बहुत बेबाक है मेरा थोड़ा मेजर्ड है तो हमारे स्वभाव का डिफरेंस है तो इसलिए हर चीज़ पर हमारा एक मत हो ऐसा नहीं हो लेकिन हमारे संबंध अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई तनाव नहीं है